मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर का, क्योंकि वो महान है, महिमा और आदर के योग्य है। आज हम इस पेज में जुड़े हैं, ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तेरे पवित्र सामर्थी नाम में अद्भुत शिपा है। हम विश्वास करते हैं कि तू महिमा का पिता है और तेरी शक्ति में अद्भुत आशीष है। हालेलुया, तो धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज पल के लिए, इस समय के लिए, इस सेशन के लिए, कि हम इस सेशन के द्वारा आज एक बार फिर मिल रहे हैं और तेरी महिमा करने वाले हैं हम। हालेलुया, और मैं धन्यवाद करूंगा पास्टर शिव चंद्र पाल जी का, जिनका ये पेज है और जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मौका दिया कि मैं इस पेज में आकर परमेश्वर की महिमा कर सकूं। पास्टर शिव चंद्र पाल जी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मित्र हैं। जब मैं नया नया प्रभु की सेविकाई में आया था तो उनसे मैं मिला था और उन्होंने मुझे बहुत उत्साहित किया था और मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज उनकी मिनिस्ट्री को मैं देखता हूँ, उनके बच्चों को देखता हूँ, उनके बच्चे जब गाते हैं, उनकी पत्नी गाती हैं, तो मुझे बहुत 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 मैं उत्साहित होता हूँ कि पूरा परिवार मिलकर परमेश्वर की सेवा में है। यही है परमेश्वर की इच्छा कि हम पूरी ईमानदारी के संग, समर्पण के संग, पूरे एक मन, एक दृष्टिकोण के संग परमेश्वर की सेवा करें। और इस परिवार का मन एक है और उनका दृष्टिकोण एक है। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर से कि इनकी सेविकाई में अद्भुत आशीष हो, इनकी कोई कमी घटी ना हो और इनको अद्भुत सुख और शांति और अद्भुत ज्ञान मिले, प्रकाशन मिले, ताकि और बढ़ते जाएं। हालेलुया, आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है इस पेज के लिए बहुत ही अद्भुत है। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर वचन अद्भुत है, लेकिन आज जो मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ, इन वचनों के द्वारा जो बांटने वाला हूँ, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अहम है और बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं, अगर आप परमेश्वर के सच्चे विश्वासी हैं, तो ये वचन आपके लिए है। और अगर आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता, कदम दर कदम, अगर आप परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ रहे हैं, तो भी ये वचन आपके लिए है। हालेलुया, क्योंकि आप इन वचनों के सुनने के बाद अपने जीवन में परिवर्तन पाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं देखता हूं कि दाऊद के जीवन से हम शुरू करेंगे कि देखिए, आज के इंसान की चिंता क्या होती है? एक आम इंसान की चिंता क्या है कि उसको रोटी मिल जाए, उसको कपड़ा मिल जाए, उसको घर मिल जाए। हालेलुया, जो विश्वासी नया नया आता है, उसकी चिंता क्या होती है कि उसको उसको चिन्ह चमत्कार हो, उसकी बीमारियां ठीक हो जाए, उसका धंधा अच्छा हो जाए, उसको नौकरी मिले और उसके बच्चे अच्छे पढ़े, उसके बच्चा हो जाए, शादी हो जाए, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एक चिंताएं हैं। लेकिन आज मैं जो आपके सामने लेकर आ रहा हूं, वो ऐसी चिंता के विषय में बात कर रहा हूं कि जो एक सच्चे मसीह विश्वासी की चिंता है। एक सच्चा मसीह विश्वासी वो क्या सोचता है, उसकी चिंता क्या हो सकती है? क्योंकि जब आप परमेश्वर में आए, जब परमेश्वर ने आपको चुना, जब परमेश्वर ने आपको अपना बना लिया, जब परमेश्वर ने आपको नया बना दिया, जब आपने परमेश्वर को चख लिया, टेस्ट कर लिया, तब आपकी चिंता क्या होती है? हालेलुया, आज एक वचन से मैं आपके सामने पेश करूंगा, आपकी ये वचन ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप चूक जाएंगे। हालेलुया, तो ध्यान से देखिए कि एक सच्चे मसीह विश्वासी की चिंता क्या होती है। दाऊद की चिंता क्या थी, मैं आपके सामने पढ़ूंगा भजन संहिता 139 का 23 और 24। अगर हमारे कोई भाई बहन है, अगर आप लिख सकते हैं तो स्क्रीन पर जरूर लिखिए इस वचन को, ताकि जो लोग बाइबल नहीं है वो इस स्क्रीन पर वचन पढ़कर आशीष पाए। हालेलुया, भजन संहिता 139 का 23 और 24। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर, मेरे हृदय को जान ले, मुझे परख और मेरी चिंताओं को जान। हालेलुया, यहां दाऊद कहता है मेरी चिंताओं को जान, मेरी चिंता क्या है, मेरे हृदय को परख, मेरे खरेपन को परख और जान कि मेरी चिंता क्या है। 24वां, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है या नहीं है, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। उसकी क्या चिंता है कि मैं कहीं अपवित्र ना बन जाऊं। मैंने प्रभु को जान लिया है, मैंने यीशु को जान लिया है, यीशु मुझ में है, मैं यीशु में हूं, मैं जान गया हूं कि यीशु मसीह कौन है,
मैं जान क्या हूं कि यीशु मसीह ने मुझे क्या दिया है, यीशु मसीह ने मुझे पूरी तरीके से नया कर दिया है, पवित्र कर दिया है। मैं जान क्या हूं कि यीशु मसीह ने मुझे अपने योग्य बना लिया है, हालेलुया, मेरी आत्मा को नया किया, मुझे स्वर्ग में, मुझे स्वर्ग का अधिकार दिया, मुझे स्वर्ग में उत्तराधिकार का अधिकार दिया, हालेलुया। तो परमेश्वर का आशीष इतना जब आपको मिल जाता है, जब आप समझ जाते हैं कि यीशु मसीह में आपने पाया क्या, हमने आशीषें तो पाई, लेकिन वो आत्मिक आशीषें, वो अलौकिक चीजें क्या है जो परमेश्वर हमें देता है। और जब आप भाई, जब आप बहन जो मसीह में हैं, जो सच्चे मसीह हैं, जो पूरी तरीके से समर्पित हैं, जब आप ये समझ जाते हैं कि हमें अलौकिक शक्तियों से नवाजा है, हमें आत्मिक आशीषों से पूरी तरीके से आशीष किया है अब, और हमने चख लिया है, हमने यीशु को जान लिया, हमने जान लिया कि यीशु मसीह क्यों मरा था, हम जान चुके हैं कि क्रूस के बलिदान का सत्य क्या है, हम जान चुके हैं कि उस दर्द की समानता क्या है, हालेलुया, हम जान चुके हैं वो मर के जिंदा हुआ और हमारे साथ रहा, हम जान चुके हैं परमेश्वर की योजनाओं को, हालेलुया। अब हमारी चिंता क्या है कि जब हम संसार में रहते हैं, जब हम इस दुनिया में रहते हैं और मसीह की तरह अपने जीवन को बिताते हैं, तो हमारी चिंता क्या है कि कहीं हम बहक ना जाएं, हालेलुया, कहीं हम बहक ना जाएं। और मैं सच बता रहा हूं मेरे भाई, ये चिंता करना वाजिब, अगर ये डर हमारे अंदर है तो हम बहकेंगे नहीं। और अगर हमारे अंदर ये डर है कि हम कहीं प्रभु से अलग ना हो जाए, हम कोई ऐसा काम ना करें जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, ये कब आप सोचेंगे, जब आप प्रभु को जान चुके होंगे। प्रभु को जानना इतना आसान नहीं है और ना ही हम कोई संपूर्ण तरीके से जान पाए हैं। इसलिए पौलुस क्या कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम उसकी ऊंचाई, लंबाई, गहराई और चौड़ाई को जान सको। हालेलुया, इफिसियों में वो 3 के जो अध्याय है उसमें बताता है 15-20 के बीच में कि हम यीशु मसीह की गहराई को, ऊंचाई को, परमेश्वर की लंबाई चौड़ाई को जान सकें। इसके लिए प्रार्थना हमें करनी है ताकि हमारा आत्मिक शरीर जो है, हमारा अंदरूनी मनुष्य तो जो है वो बलवंत हो जाए। जब तक हमारा अंदरूनी मनुष्य तो बलवंत नहीं होगा, तब तक हम परमेश्वर की गहराई को, परमेश्वर की ऊंचाई को, चौड़ाई को, लंबाई को नहीं जान पाएंगे। इसलिए वो कहता है कि यीशु मसीह के उस प्यार को जान सको जो ज्ञान से परे है। वो प्यार यीशु मसीह का जो ज्ञान से परे है, आप सोच ही नहीं सकते उस परिवार के बारे, उस प्यार के बारे में जो यीशु ने हमसे किया और जिस तरीके से किया, हम उस प्यार को नहीं समझ सकते। वो चेले नहीं समझ पाए थे जब वो आकाश, जब वो स्वर्ग धरती का अधिकारी हो चुका था, जब उसे स्वर्ग धरती का अधिकारी अधिकार मिल चुका था, आप सोचिए। लेकिन वो उस समय चिंतित था कि मेरे बच्चे जो चेले हैं अभी भी मुझे इनको सिखाना जरूरी है, मेरे बच्चे जो चेले हैं इनको पूरी तरीके से सिद्ध करना बाकी है, इसलिए उनके पैर धोने लगा। कुछ चेले आपस में प्रेम नहीं करते थे, एक चेला शैतान की ओर जा रहा था, शैतान ने उसको ले लिया था, यहूदा इस्करियोती में, उसकी चिंता थी, उसका प्यार था, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी, वो अपने चेलों के पैर धो रहा है ये बताने के लिए कि प्रेम क्या है, मसीहत क्या है, विश्वासी होना क्या है। वो बता रहा था कि अगर तुम मुझ जैसे काम नहीं करोगे, तुम्हें मुझ जैसे काम करने पड़ेंगे। ये मैं एक तुम्हें प्रमाण दे रहा हूं, सबूत दे रहा हूं। यीशु मसीह ने धरती पर आकर 3.5 साल तक चेलों को बताया कि उनको सेविकाई कैसी करनी है। अगर हम उस सेविकाई को नहीं समझ पाएंगे मेरे भाई, यही है उदाहरण। इसीलिए फिलिपियों 2:5 कहता है, जैसे जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव अपने अंदर हमें लाना है। कौन सा स्वभाव? दीनता, नम्रता। हालेलुया, इस वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, बहुत आशीषित वचन है। फिलिपियों 2:5 ध्यान से पढ़िए। हालेलुया, प्रेरित और विश्वासी की चिंता क्या है? ये स्वरूप, ये समानता जो यीशु का है वो मुझ में है। हालेलुया, क्या कहता है कि अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तु न समझा। हालेलुया, वो जानता था कि मुझे मिल चुका है,
वो जानता था कि मैं परमेश्वर के स्वरूप में हूँ, उसकी समानता में, वो जानता था वो अधिकार मेरे पास है। लेकिन फिर भी उस मनुष्य के पुत्र के रूप में जब वो धरती पर आया तो उसने उसकी समानता को, उसने अधिकार को नहीं चाहा, नहीं, मैं मनुष्य के रूप में हूँ, मैं उस मनुष्य के स्वरूप में हूँ और मुझे दीन और नम्र बनकर उस जीवन को निभाना है जो मुझे पिता ने दिया, ताकि मैं एक उदाहरण के रूप में आ रहा हूं, क्योंकि मैं सेवा करने नहीं, मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने के लिए आया हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद क्या कहता है, उसने अपने आप को ऐसा शून्य किया कि दास का स्वरूप धारण कर मनुष्य की समानता में हो गया। कैसा शून्य किया, हालेलुया। हमें अपने आप को खाली जब हम करते हैं, हम अपने आप को खाली करते हैं, प्रभु कहता है, यूहन्ना ने कहा कि अगर तुम बपतिस्मा लेना चाहते हो तो पश्चाताप के योग के फल लाओ। हालेलुया, यानी कि पश्चाताप करके अपने आप को खाली करो। हालेलुया, उसे कहो कि प्रभु मैं गलत था, मैं पापी था, मैं गलत काम करता था, मैं शराब पीता था, मैं जुआ खेलता था, अपनी पत्नी को मारता था, मैं धोखा देता था, झूठ बोलता था। हमें इन चीजों से अपने आप को खाली करना है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने किस चीज से अपने आप को खाली किया, उसने अपने आप को ऐसा शून्य किया, किन चीजों से, अपनी भलाई से। उसने कभी भी अपने ऊपर नहीं कहा, उसने कहा मैं नहीं कर रहा हूं। अगर आप यूहन्ना 12 का 49 एंड 50 पढ़ेंगे तो उसने कहा जो परमेश्वर मेरा, मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूं वो काम करता हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं करता। इसलिए उसने जब भी किसी को ठीक किया, चंगा किया, उसने क्या कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया, उसने कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने किया है या मैं कर सकता हूं, नहीं, मेरे पिता को जो मैं करते देखता हूं वो करता हूं। हालेलुया, तो एक मसीह की, एक विश्वासी की चिंता क्या है कि कहीं मेरे मन में कहीं वो घमंड ना आ जाए, कहीं मेरे मन में वो अभिलाषाएं ना आ जाए, वो लालसाएं ना आ जाए जो मुझे यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मेरे मन से निकाली है। इसलिए हे मेरे परमेश्वर, तू मेरे हृदय को जांच, हे मेरे परमेश्वर तू मेरे हृदय को जान ले, क्योंकि मैं जानता हूं कि यीशु की भलाई क्या है, क्योंकि मैं जान चुका हूं परमेश्वर की भलाई क्या है, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि यीशु ही है और कोई नहीं। जिस दिन आप यीशु को समझ लेंगे, जिस दिन आप यीशु को चख लेंगे, जिस दिन यीशु मसीह आपके अंदर आ जाएगा, जिस दिन आप यीशु मसीह को पहन लेंगे मेरे भाई, उस दिन के बाद कोई भी रिश्ता आपके लिए बेमायने होगा, कोई भी काम आपके लिए बेमायने होगा, नो, कोई भी काम आपके लिए सिर्फ परमेश्वर का प्यार, आपके लिए सिर्फ परमेश्वर के लिए चलना, आपके लिए सिर्फ परमेश्वर के वचन को समझना, जानना और उसकी इच्छा को समझना, यही सबसे बड़ी काम होगा और कोई दूसरा काम नहीं होगा। इसलिए भजन संहिता 139 का अगर 14वां वचन देखेंगे हम, भजन संहिता 119 का, सॉरी, भजन संहिता 119 का 14वां, हालेलुया, ध्यान दीजिए, अगर कोई बहन डाल सकती है तो प्लीज डालिए इस वचन को, मैं आपके लिए पढ़ता हूं भजन संहिता 119 का 14वां। हालेलुया, क्या लिखा हुआ है कि मैं तेरी चेतावनियों के मार्ग से ऐसा हर्षित हुआ हूं जैसा सब प्रकार के धन से। प्रेज द लॉर्ड, यहां पर क्या कहता है भजन का कि मैं तेरी चेतावनियों से ऐसा हर्ष हुआ हूं जैसा किसी धन पाने से, यानी कि उसने खजाना पा लिया, उसने खजाना पा लिया। एक मसीह को यह समझना कि उसकी चेतावनी क्या है, वो जब चेतावनी देता है तो उसका मतलब क्या है, वो जब बोलता है तो उसका मतलब क्या है। हालेलुया, जब आपको उसने मंदिर कहा तो उसका मतलब क्या है, जब वो कहता है कि मैं यीशु में और यीशु मुझ में रहे, पिता से उसने प्रार्थना की थी, याद है आपको 17:21, अगर मैं आपके लिए पढ़ूं यूहन्ना 17:21, अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखिए जब महायाजकीय प्रार्थना है क्या कहता है वो, कि वे सब एक हो, कौन, हम लोग एक हो, जैसे हे पिता तू मुझ में और मैं तुझ में, वैसे ही वे भी हम में हो, जैसे कि संसार विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया, क्या उसकी प्रार्थना है,
यीशु की क्या प्रार्थना है? एक सच्चा विश्वासी ही समझ सकता है जिसने यीशु मसीह को चख लिया हो कि तू मुझ में और मैं तुझ में। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह में पिता था और पिता में यीशु था। वो कहता है हम दोनों एक हैं, हम दोनों एक हैं। और जिस दिन मेरे भाई मेरी बहन मैं यीशु में एक हो जाऊंगा, जिस दिन यीशु मुझ में आ जाएगा, वो विश्वासी कहता है कि मैंने जब यीशु को पाया, वो विश्वासी कहता है, आपका दाऊद कहता है कि मेरी चिंता यही है कि मैं यीशु को, मैं परमेश्वर को पा चुका हूं, वो मुझ में है, मैं उसको चख चुका हूं, वो मेरे अंदर है, अब मैं प्रार्थना करता हूं कि वो मुझसे दूर न जाए, कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, क्योंकि अगर वो मुझसे दूर हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। क्योंकि उसकी चेतावनियां जो है, उसकी चेतावनियां क्या है, कभी आपने सोचा है उसकी चेतावनियां क्या है? उसकी वाचा के अनुसार चलना। हालेलुया, उसकी चेतावनियां तीन है, उन चेतावनियों के तीन भाग हैं, उसकी वाचा के अनुसार चलना, पवित्रता के साथ जीवन बिताना और उसके मन के मन को समझना। हमारा क्या काम है, मसीह का क्या काम है, एक सच्चे मसीह का क्या काम है? उसकी वाचा के अनुसार चलना। वाचा क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास। वाचा क्या है? उसके लहू से, लहू को अपने लहू से शुद्ध होकर उसके अनुसार जीवन को बिताना, उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को बिताना। ये वाचा जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली है, हालेलुया। तो वाचा के अनुसार चलना और पवित्रता में रहना, और तीसरा कि परमेश्वर के मन को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए वो कहता है यिर्मयाह 29:13 कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे क्योंकि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे। कब ढूंढोगे तुम मुझे? जब तुम अपने मन में मुझे जान लोगे, जब तुम अपने मन में मुझे समझ लोगे कि वो क्या है। हालेलुया, यिर्मयाह 32:39 अगर हम देखें, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत अच्छा वचन है। यिर्मयाह 32:39 39, वो कहता है कि मैं उनको एक ही मन और एक ही मार्ग दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, देखिए उसकी भलाई में बता रहा हूं आपको, वो क्यों दूर होना नहीं चाहता है। आप समझिए परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या कर रहा है आपके लिए। देखिए मैं आपको उसकी भलाई बता रहा हूं जो उसने आपके लिए की है और जो करने वाला है और जो कर रहा है। ये आपको समझना है, ये आपको लेना है। उसकी भलाई आप देखिए अपने जीवन में कि हो रही है कि नहीं हो रही है। मेरे साथ हो रही है। हालेलुया, मैं आपको बता रहा हूं, और मैं उनको एक ही मन और एक ही मार्ग दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहे, जिससे स्वयं उनका और उनके पश्चात उनके वंशजों का भी भला हो। क्या बताता है वचन? कि अगर आप उसका भय मानेंगे तो आपके बच्चे का भला होगा, आप अगर भय मानेंगे तो आपके परिवार का, आपके वंश का भला होगा। और दूसरा क्या कहता है? और मैं उनके साथ अनंत काल की ये वाचा बांधूंगा कि उनकी भलाई करने से कभी ना फिरूंगा। ऐसा पिता जो हमें मिला हो, कौन नहीं चिंता करेगा कि नहीं मैं अपने पिता को ना, मेरा पिता मुझसे दूर ना हो जाए। क्योंकि पिता का ये वचन है, उसके मुख से निकली हुई वाणी है कि मैं उनकी भलाई करने से कभी ना फिरूंगा और अपना भय उनके हृदय में डालूंगा, जिससे वे मुझे, मैं मुझसे कभी विमुख ना हो, और मैं आनंद पूर्वक उनकी भलाई करूंगा और अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण प्राण से सचमुच उन्हें इस देश में स्थापित करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर कहता है उस वाचा के अनुसार जब चलोगे, पवित्रता के साथ जब तुम चलोगे, जब तुम परमेश्वर के मन को खोजने की कोशिश करोगे, जब तुम परमेश्वर के बोझ को अपना बोझ समझोगे, तब तुम्हारे अंदर से चिंता निकल जाएगी। जिस दिन ऐसे विश्वासी, जिस दिन ऐसे मसीह, आपके अंदर परमेश्वर का बोझ होगा। यीशु मसीह क्यों नहीं फिसले? एक मनुष्य के रूप में, वो परमेश्वर के पुत्र जरूर थे लेकिन मनुष्य के पुत्र के रूप में रहे। हालेलुया, सामरिया स्त्री के पास वो गए, हालेलुया, उसको बता रहे थे, और वहां पर चेले आए खाना लेकर। चेलों ने क्या कहा? गुरु खाना खा ले। यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 4:34 कि मेरा भोजन क्या है? कि अपने पिता की इच्छा पूरी करूं। मेरा भोजन, मुझे काम क्या करना है? अपने पिता की इच्छा को पूरा करना। जिस दिन मेरे भाई, हमारा भोजन यही होगा कि हम अपने पिता की इच्छा को पूरा करें। उसके लिए हमें पिता की इच्छा को जानना पड़ेगा।
उसके लिए हमें पिता के करीब आना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। अब तक हम प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर हमें ये दे दे, हमें दुकान दे दे, हमें नौकरी दे दे, हमें आशीष दे दे, हमारी मिनिस्ट्री बढ़ा दे। आज से हम ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम तुझे और जाने कि तेरे मन में क्या है, तेरे मन में क्या है, और ये हम जान सकते हैं। देखिए पहला कुरिन्थियन 2:11 अगर मैं आपके लिए पढ़ूं तो देखिए उसमें क्या बताएगा। देखिए परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत आसान किया हुआ है। पहला कुरिन्थियन 2:11 2:11 कहता है, करें मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य के विचारों को जानता है, केवल उस मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। यानी वचन क्या कहता है, आपकी आत्मा में क्या है आप जानते हैं, मेरी आत्मा में क्या है मैं जानता हूं, मेरी पत्नी की आत्मा में क्या है मेरी पत्नी जानती है, मेरी बच्ची की आत्मा में क्या है मेरी बच्ची जानती है। इस तरीके से परमेश्वर की आत्मा में क्या है परमेश्वर जानता है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये खजाने की चाबी दे रहा हूं मैं आपको। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य के विचारों को जानता है, केवल उस मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। इसी प्रकार परमेश्वर के आत्मा को छोड़ परमेश्वर के विचार कोई नहीं जानता। परमेश्वर की आत्मा को छोड़ परमेश्वर के विचार कोई नहीं जानता। और परमेश्वर की आत्मा कहां है, हेलो लिखिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे अंदर है। बोलिए मेरे अंदर है, उसकी आत्मा मेरे अंदर है। अगर परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है जो कि है, तो आप अपने पिता के मन में क्या है आराम से जान सकते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस उस आत्मा के अनुसार चलना है। आप उस आत्मा के अगुवाई में अपने जीवन को बिताएं, वो सब कुछ आपको बताएगा कि आपके पिता के मन में परमेश्वर के मन में आपके लिए क्या है, आपकी सेविकाई के लिए क्या है, आपके जीवन के लिए क्या है, आपके बच्चों के लिए क्या है। हम दुख सहन करते हैं, शैतान हमारे मन में गलत विचार लेकर आता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा हमारे अंदर डाल दी है। और वचन कहता है कि उसकी आत्मा जो हमारे अंदर है वो उस परमेश्वर के मन में क्या है वो जानती है, उस परमेश्वर के मन में क्या है वो आत्मा जानती है। किसके लिए, आपके लिए, आपकी जीवन के लिए, आपके बच्चों के जीवन के लिए क्या है वो जानती है, वो आत्मा जानती है जो आपके अंदर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम आत्मा के अनुसार नहीं चलते, हम शरीर के अनुसार चलते हैं। इसीलिए इफिसियों 4:30 क्या कहता है, आत्मा को शोकित मत करो। अगर आप आत्मा को शोकित करेंगे तो आप आत्मा का आशीष नहीं पा पाएंगे। आप नहीं जानते हैं कि हम विश्वासियों के पास क्या है, हम आप नहीं जान रहे हैं। आप विश्वासियों के पास क्या है, वो सामर्थ, वो सामर्थी जीवन, वो अलौकिक शक्तियां। आपको याद है, आपको याद है जब नाव चली जा रही थी, अंधेरा था, डावाडोल हो रही थी, हवा चल रही थी, और यीशु मसीह पानी पे चलते हुए आ रहे थे, आपको याद है, हालेलुया। और लोग और जो इनके चेले थे उनको भूत समझ रहे थे। यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, पतरस ने क्या कहा, अगर तू ही है प्रभु तो मुझे आने की आज्ञा दे। क्या कहा उसने, आज्ञा दे, यानी कि उसकी आज्ञा में एक राज छुपा हुआ है, उसकी आज्ञा में राज छुपा हुआ है। उसने कहा मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे, और यीशु मसीह ने आज्ञा दी, उसने कहा आ। और जैसे ही उस आज्ञा को उसने ग्रहण किया, पतरस पानी पे चलने लगा। आमीन। इसका मतलब वो सामर्थ जो परमेश्वर के पास था, वो सामर्थ जो यीशु मसीह के पास था, वो पतरस के पास था। चाहे वो 2 कदम चला, लेकिन वो सामर्थ था। वो संसार की तरफ देखने लगा, उन हवाओं को देखने लगा और डूबने लगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सामर्थ दिया है। जिस दिन आप उस सच्चे सामर्थ को, उस सच्ची शक्ति को आप जान लेंगे मेरे भाई, आप उससे कभी भी अलग नहीं होना चाहेंगे। आप कहेंगे नहीं, हाँ आप मुझसे जीवन ले लें, आप मुझसे रिश्ते ले लें, आप मुझसे पैसा ले लें, आप मुझसे दौलत ले लें, आप मुझसे, आप मेरी नौकरी चली जाए, लेकिन मेरा यीशु मुझसे ना जाए, मेरा प्रभु मुझसे ना जाए, क्योंकि वही है, वही है जो जीवन देने वाला है, वही है जो हमें शक्ति देता है, वही है जिसने हमें मनुष्य से
परमेश्वर का पुत्र बना दिया है, वही है और कोई नहीं है। इसलिए वही है जो हमें चाहिए, और अगर हमें मिल चुका है, अगर हमें मिल चुका है तो हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। क्या आप उस खजाने को छोड़ना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे वो आशीष खोना चाहेंगे आप? नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हम नहीं छोड़ना चाहेंगे क्योंकि हमें परमेश्वर ने दी है। इसलिए वो कहता है 119:66, भजन संहिता 119:66 कहता है कि मुझे भला विवेक और ज्ञान दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था को समझ सकूं। इसी से मिलता जुलता एक और वचन है, फिलिपियों 1:9-10। देखिए क्या कहता है पौलुस, की चिंता क्या है पौलुस, क्या कहता है। जिस तरीके से इफिसियों में, देखिए आज थोड़ी सी हम गहराई की बातें करने वाले हैं, हालेलुया, समझने वाली बात है, जरूर सुनिए कि हम परमेश्वर को कैसे जाने। हम कलीसिया आते हैं सिर्फ चिन्ह चमत्कार देखने के लिए, हम कलीसिया आते हैं नौकरी पाने के लिए, हम कलीसिया आते हैं अपनी आशीषें पाने के लिए, लेकिन वो क्या कहता है पौलुस, क्या कहता है, देखिए फिलिपियों की पत्री 1:9 में क्या कहता है, मेरी प्रार्थना यही है कि तुम्हारा प्रेम सच्चे ज्ञान और पूर्ण समझ सहित निरंतर बढ़ता जाए। हमारा प्रेम, हम जब यीशु से प्रेम करते हैं, क्या हम उस ज्ञान को जानते हैं, हम क्यों प्रेम कर रहे हैं, हम किस लिए प्रेम कर रहे हैं, हम क्यों यीशु मसीह को चाहते हैं, हम क्यों कलीसिया जाते हैं, हम क्यों बाइबल पढ़ रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि पास्टर ने कहा पढ़ो तो पढ़ो, मेरे भाई हमें जानना जरूरी है कि हम क्यों कर रहे हैं ये। इसलिए वो कहता है कि मेरी प्रार्थना है, पौलुस हमारे लिए आपके लिए प्रार्थना करता है कि हमारा प्रेम सच्चे ज्ञान और पूर्ण समझ सहित निरंतर रोज ब रोज बढ़ता जाए। किसके लिए? यीशु के लिए, प्रभु के लिए। और जिस दिन उस सच्चे प्रेम और सच्चे ज्ञान के ज्ञान की तरफ आपका प्रेम बढ़ता जाएगा ना मेरे भाई, कोई भी आपको हिला नहीं सकता, कोई भी आजमाइश आपको हिला नहीं सकती, कोई भी सताव आपको हिला नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए वो कहता है रोमियो की पत्री अगर आप देखें तो उसका 8वां अध्याय अगर हम निकालते हैं, रोमियो की पत्री 8वां, तो क्या कहता है, इसलिए वो क्या कहता है, क्योंकि मुझे निश्चय है ना तो मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना शक्तियां ना ऊंचाई ना गहराई ना कोई सजीव वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करती है। अगर आप उस प्रेम को जान लेंगे तो कोई आपको अलग नहीं कर सकता। अगर आप सच्चे प्रेम और सच्चे समझ के साथ यीशु को प्यार करेंगे, इसलिए ध्यान से वचनों को समझिए, ध्यान से वचनों को सुनिए, बहुत जरूरी है कि हम वचनों को समझकर अपने अंदर ले, हम सुनकर अंदर ना ले। ध्यान दीजिएगा, कोई भी भाई कोई भी पास्टर आज फेसबुक पर बहुत पास्टर्स कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अच्छी बात है, वेरी गुड, लेकिन मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहता हूं कि आप वचन सुनकर अंदर मत लीजिए, आप वचन को समझकर अंदर लीजिए, तब आप देखिए। जब आप समझकर अंदर लेंगे, यही तो बोल रहा है कि समझकर प्यार करो, अपने संपूर्ण प्रेम के साथ, अपने ज्ञान के साथ प्रेम करो, समझ के संग प्रेम करो। और यही पिता ने किया था, याद है आपको, पिता ने भी आपको सच्चे ज्ञान और प्रेम के साथ चुना है। अगर इफिसियों की पत्री में आपके निकालता हूं, इफिसियों 1:7 अगर आप निकालते हैं तो आप जानेंगे, इफिसियों की पत्री, हालेलुया, कैसे उसने हमें चुना परमेश्वर ने, आपको पता है इफिसियन में हमें बताया गया है कि जब पौलुस स्वर्ग गया था, आपको याद है 2 कुरिन्थियन 12:2 में वो कहता है कि मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो तीसरे आकाश स्वर्ग तक उठाया जा चुका है। वो कौन था? पौलुस। पौलुस जब स्वर्ग गया था ना, और जब उस स्वर्ग को देखकर आया था, उसका पूरा चित्रण उसने इफिसियों की पत्री में डाला था। इसलिए वो क्या कहता है कि तुम जानो कि तुम कौन हो। इफिसियों की पत्री हमें बताती है कि वो अलौकिक आशीषें हमारे लिए हैं। इफिसियों की पत्री बताती है कि हम कौन हैं। हम यीशु मसीह के साथ मारे गए, जलाए गए, और जिस तरीके से यीशु मसीह उठाया गया और परमेश्वर के साथ बिठाया गया, उसी तरह हम भी यीशु मसीह के साथ बैठे हुए हैं।
स्वर्ग में आप कहां पर हैं? परमेश्वर यीशु आप, यानी कि आप यीशु मसीह के साथ बैठे हुए, आप अपना स्थान जानिए। वो दाऊद का कहता है, इसलिए तो उसे चिंता है कि मैं जान चुका हूं कि मैं कौन हूं, मैं आत्मिक, मैं परमेश्वर, मैं स्वर्ग में कौन हूं, मैं जान चुका हूं स्वर्ग में आत्मिक स्थिति मेरी क्या है, मैं जान चुका हूं, अब मैं धरती पर हूं, तो मैं इस आशीष को खोना नहीं चाहता। देखिए उसने क्या कहा है, पौलुस क्या कहता है कि परमेश्वर ने जो आपको चुना है ना, कैसे चुना है देखिए, जिसे उसने समस्त ज्ञान और समझ से हमें बहुत आयत से दिया, समझ से दिया उसने हमें आजादी, समझ से दी है, अपने ज्ञान से दी है उसने, यूं ही नहीं दे दी। इसलिए वो कहता है यूहन्ना 15:16 कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, और सिर्फ चुना नहीं है, चुनकर नियुक्त किया ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो चाहता है कि आपका फल बना रहे, वो चाहता है कि आपको जीवन मिले, वो चाहता है कि आपको बहुतायत का जीवन मिले। लेकिन इसलिए हमें ये सोचना, ये चिंता हमारी होनी जरूरी है कि कहीं हम कोई ऐसा काम ना करें जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, हमसे कोई ऐसा वचन ना निकल जाए, हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए, हमारी वजह से कोई भाई कोई बहन ठोकर का कारण ना बने। प्रार्थना करिए, आजकल हो रहा है अपनी महिमा के लिए, अपनी मिनिस्ट्री की महिमा के लिए लोग कुछ भी बोल रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं कि जो सुनने वाले हैं वो ठोकर का कारण ना बने। अगर हम किसी के लिए ठोकर का कारण बनेंगे, परमेश्वर हमें माफ नहीं करेगा। परमेश्वर की चुनी हुई भेड़ों को अगर हम सही वचन नहीं सुनाएंगे, अगर हम सच्चाई नहीं बताएंगे, परमेश्वर न्याय करेगा। और पहला पत्रस 4:19 क्या कहता है, मैं आपको बता दूं, पहला पत्रस 4:19 कहता है कि आपके घर से ही न्याय होगा। पहला पत्रस 4:17, क्योंकि समय आ गया है कि परमेश्वर के घराने से ही न्याय आरंभ हो। अतः यदि न्याय का आरंभ हमसे ही होगा तो उनका क्या परिणाम होगा जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार का पालन नहीं किया। न्याय किससे होगा? परमेश्वर के घराने से, हम चुने हुओं में से होगा। इसलिए वो कहता भजनकार कि मुझे चिंता है कि मेरे मन को जांच ले, कहीं मेरे मन में कहीं कोई गलती तो नहीं है, कहीं को गलत भावना तो नहीं आ गई है, कहीं मैं अभी भी आजमाई, कहीं अभी भी मैं अपने शरीर की अभिलाषाओं में, आंखों की लालसाओं में, बुद्धि के घमंड में, कहीं मैं अपना जीवन तो नहीं बिता रहा हूं, कहीं कोई अहम मेरे अंदर तो नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने पैर धोए, बताया चेलों को कि तुम में अभी भी प्यार नहीं है, अभी भी तुम एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो, बताया कि तुम्हें कैसा जीवन जीना है, जैसा मैं तुझे धो रहा हूं पतरस, वैसा ही तुझे भी धोना है अपने साथियों को। तुझे ऊंचा नहीं बनना है, पतरस कहता है मैंने, मुझे बनना है ऊंचा। अपने आप में चेले लड़ रहे थे, बहस कर रहे थे कि कौन बड़ा है, हम में पहला स्थान किसको मिलेगा। जब्दी के पुत्र की मां आती है और कहती है कि एक बेटा मेरा यूहन्ना दाहिने हाथ, याकूब जो है बाएं हाथ। मैं ऊंचा बनना चाहता हूं। यीशु मसीह कहता है तुम्हें एक दूसरे के पैर धोने हैं। पतरस कहता है मुझे नहीं धुलवाने हैं। कहता है पतरस अगर मैं तुझे ना धोऊं तो मेरा तुझसे कोई संबंध नहीं है। अगर आप अपने भाइयों के पैर नहीं धोते हैं, अगर आप अपने भाइयों के की परवाह नहीं करते हैं, अगर आप अपने भाइयों से, अपने बहनों से प्रेम नहीं करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि आपका मेरा कोई संबंध नहीं है। जो परमेश्वर ने आपको दिया है अगर आप उसे नहीं देते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने पतरस के सबके पैर धोए, यहूदा इस्करियोती के पैर धोए कि यहूदा इस्करियोती जो शैतान तेरे अंदर बैठा हुआ मेरे खिलाफ बात कर रहा है, नहीं। इसीलिए 13:34-35 क्या कहता है यूहन्ना में कि एक दूसरे से प्रेम करो। 3 साल के बाद यीशु मसीह ने वो 2 आज्ञाएं दी, 3 साल की सेविकाई के बाद। 3 साल की सेविकाई के बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों को 2 आज्ञाएं दी। बिल्कुल इसके बाद गसमनी में वो गए, क्रूस पर चढ़ाए गए, अंतिम समय था। उस समय उन्होंने जाते जाते ये 2 आज्ञाएं दी कि एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि चेलों के अंदर प्रेम नहीं था, प्रेम नहीं था। इसलिए यूहन्ना 21 में पतरस के पास यीशु मसीह आए
उसे बताया कि मैंने तुझे कहा था कि तू अब तक तू मछलियों को पकड़ता था, अब तू मनुष्यों को पकड़ने वाला आदमी चलेगा, आदमी होगा, सेवक होगा, लेकिन तू फिर मछली पकड़ रहा। क्या तू मेरी भेड़ों से प्यार करता है? उनको चरा। 3 बार यीशु मसीह ने उससे सवाल किया। हालेलुया, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पतरस को बताना चाहते थे, अब तक जिंदगी जो तूने जी है उसमें तेरी मर्जी थी, लेकिन अब जो तू जिंदगी जीने वाला होगा, अब जो तू जिंदगी जीने वाला है उसमें तेरी मर्जी नहीं चलेगी, उसमें दूसरों की मर्जी चलेगी, दूसरों की इच्छा चलेगी। इसलिए पहला कुरिन्थियन 6:19 क्या कहता है, तुम परमेश्वर के मंदिर हो, पवित्र आत्मा तुम में वास करता है, लेकिन तुम अपने नहीं हो। हम अपने नहीं है, हम अपने लिए जीवन नहीं जी सकते, हमें अपने लिए जीवन नहीं जीना है। प्रभु की आज्ञा ही है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, पवित्र आत्मा तुम में वास करता है, लेकिन तुम अपने नहीं हो। यही बात यीशु मसीह ने पतरस से कही थी, योहन्ना 21 में। अगर आप 15 से 21 के 22 के बीच में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले तू अपना काम अपने आप करता था, जो चाहता था करता था, लेकिन अब तू नहीं। अब कोई पकड़ेगा तुझे, कोई थामेगा तुझे, कोई तुझे लेकर जाएगा। और यही हुआ कि पतरस ने अपनी जिंदगी जी, जब वो एक विश्वासी बना, जब वो एक सेवक बना, जब वो यीशु मसीह का चेला बनकर इस धरती पर रहा, जब उसने सेवा की, क्या उसने अपनी जिंदगी जी? क्या पौलुस ने अपनी जिंदगी जी? जब पौलुस को चुना और हनन्याह को बोला कि जा उसके माथे पर हाथ रख, वो प्रार्थना कर रहा है, मैं देख रहा हूं वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। पीड़ितों के काम 9:16 अगर हम निकालेंगे तो हम जानेंगे 9:16 क्या कहा था उसने पौलुस से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जा हनन्या, जा सीधी गली में जा, एक शाऊल नाम का आदमी है जो प्रार्थना कर रहा है, और उसने प्रार्थना में देखा है कि हनन्या आकर उस पर हाथ रखेगा, और जा उससे कहना, क्या कहना? 16, मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कितना दुख सहना होगा। सेवकाई चुनने से पहले, शुरू काम करने से पहले उसे बता दिया कि तुझे दुख सहना पड़ेगा। इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 12 में आप देखिए वो क्या कहता है कि जब मैंने कांटा चुभा और मुझे मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसने कहा नहीं, तेरे लिए मेरा अनुग्रह ही काफी है। हम मसीहों के लिए, हम विश्वासियों के लिए उसका अनुग्रह ही काफी है। इस खजाने को आप, उसकी कीमत को समझिए, उस अनुग्रह की कीमत को समझिए। अगर हम यीशु के अनुग्रह में स्थिर रहेंगे तो हम परमेश्वर की महिमा की आशा को देख पाएंगे। रोमियो 5:2-3 क्या कहता है देखिए, ध्यान दीजिए, उसके अनुग्रह को थामे रहेंगे, उसी के द्वारा विश्वास से उस अनुग्रह में जिसमें हम स्थिर हैं हमने प्रवेश पाया है, और परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंदित होते हैं। कब आप परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंदित होंगे? जब यीशु मसीह से मिले अनुग्रह को आप थामे रहेंगे, जब यीशु से मिले अनुग्रह को आप स्थिर करेंगे। हालेलुया। इसीलिए रोमन की पत्री 6 अगर पहला देखें, उसने क्या कहा? क्या हुआ, हम इस कारण पाप करते हैं, हम व्यवस्था के अधीन नहीं है? नहीं, तुम अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दो, उसके अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दो, स्मरण करो। रोमियो 12:1 बोलता है, स्मरण को याद करो कि उसने क्या किया है। व्यवस्था विवरण 8:2 में क्या कहता है परमेश्वर इसराइलियों से कि याद करो कि तुम्हें कैसे लेकर आया था। एक बार आपके लिए पढ़ता हूं, व्यवस्था विवरण 8:2। हालेलुया। कैसे मैं तुम्हें लेकर आया था, याद करो, तुम याद करो,
हालेलुया। फिर तू उस संपूर्ण मार्ग को स्मरण रखना जिस पर इन 40 वर्षों तक तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे इस जंगल में से इसलिए लेकर आया कि वो तुझको नम्र करे और जांच कर ये जान ले कि तेरे मन में क्या है। यही तो कह रहा है दाऊद कि जांच कर मेरे मन में, जांच मेरे मन में, जान कि मेरे मन में क्या है। परमेश्वर भी आपके मन को जांचना चाहता है, इसलिए वो इस्राएलियों को लेकर आया। व्यवस्था वैरण 8:2-3-4 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता लगेगा कि वहां पर बताया गया कि उनके पैरों के जूते, उनके कपड़े, उनके जो मोजे वो नहीं फटे थे, फिर भी वो आपके मन को जांच रहा है। शरीर का सुख उसने दिया आपको, मन्ना दिया पत्थरों से, पत्थर से, चट्टानों से पानी दिया, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मैं तेरे मन को जांच रहा है, मैं तेरे मन को जांचता हूं। परमेश्वर आपके मन को जांचता है मेरे भाई, कि आपके मन में क्या है, आपके मन में क्या है। और आपका मन ही आपको प्रभु से दूर कर सकता है। इसलिए अपने मन को, अपने मन को अपने बस में करिए, और इसलिए परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उसकी उसकी चिंता है, एक विश्वासी की, एक विश्वासी की चिंता है। प्रेज द लॉर्ड कि कहीं मैं दूर ना हो जाऊं, कहीं जो परमेश्वर का आशीष मुझे मिला है, कहीं परमेश्वर ने जो मुझे चुना है। इसलिए कोई भी गलती करने से पहले, अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती होती है, पश्चाताप करिए मेरे भाई, उसी समय पश्चाताप करिए और वाचा बांधिए कि मैं आगे से ये गलती नहीं करूंगा। क्या पता परमेश्वर आपको माफ कर दे, आपको आशीष मिले। लेकिन मेरे भाई जरूरी है कि हम उस सच्चाई को जाने जो परमेश्वर ने हमें हमें उस आशीष के द्वारा दी है, उस सत्य को हम जाने और पहचाने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत 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 प्रेम करता है, इसलिए आपने चुना। इस इफिसियों में इसलिए उसने कहा है कि प्रभु ने आपको अपने संपूर्ण ज्ञान और समझ के सहित आपको चुना है और बहुतायत से दिया है, यूं ही नहीं दे दिया आपको, यूं ही नहीं दे दिया। इसलिए आप उसके अनुग्रह की, उसने जो दिया है उसकी कदर करिए। इसलिए वो कहता है दाऊद कि मैं कदर करता हूं और प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे जांच ले कि मेरे मन में अगर कहीं कोई ऐसी बात हो रही है तो मुझे ठीक कर, क्योंकि मैं तेरी चेतावनियों से खुश होता हूं। मुझे भला विवेक दे। इसलिए मेरे भाई बहुत जरूरी है कि इस अंतिम समय में हम उस भले विवेक के द्वारा उसकी अच्छाइयों को, उसकी भलाइयों को कभी ना भूले, और उसके उसके प्यार को, उसकी कीमत को, उस अपने आजादी की कीमत को समझे कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हमें आजाद किया है, हमें आजाद किया है। हालेलुया। उस आजादी की कीमत को मत भूलिए, क्योंकि प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, यूं ही उसने नहीं दे दिया। जब आप सच्चे प्रेम से, सच्चे मन से, क्या कहता है पौलुस, कि समझ के संग, सच्चे प्रेम और सच्चे ज्ञान के साथ आप उससे प्रेम करिए, तब आप उसके कीमत को जानेंगे, तब आप उसके बलिदानों को जानेंगे। जिस तरह चेलों ने बाद में समझा, उस समय नहीं समझ पाए, वो बाद में उसकी कीमत को समझे और उसके लिए उन्होंने लाठियां खाई, सताव सहे, कलेश सहे, लेकिन यीशु को नहीं छोड़ा। अगर आपको याद है एक्स में 4 जो उस रंगले को पत्रस ने और यूहन्ना ने चंगा किया था और उसकी वजह से उनको लाठियां पड़ी थी, क्या कहा था महायाजकों को उन्होंने, कि क्या हम परमेश्वर की बात ना माने, तुम्हारी बात माने, जो परमेश्वर कहता है वो करेंगे, चाहे आप लाठियां मारो, चाहे आप मुझे जंगल में, चाहे आप मुझे जेल में बंद कर दो, जो परमेश्वर कहता वो करूंगा। क्योंकि वो उस सच्चाई को जान गए थे कि उस मसीहत में, उस विश्वासी को जो सामर्थ्य दिया है, उसकी कीमत क्या है। हम उसकी कीमत को नहीं समझ रहे,
उसके प्यार की कीमत को नहीं समझ रहे, उसके बलिदान की कीमत को नहीं समझ रहे। जरूरी है कि हम उसके बलिदान की कीमत को समझे, उसके प्यार की कीमत को समझे, उसकी योजनाओं को समझे, उसके त्याग को समझे, उसकी आत्मा को जो हमारे अंदर है उसकी कीमत को समझे, जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर बैठी हुई है, बैठा हुआ है वो आत्मा। आज हम उसे शोकित करते हैं। वो कहता है बाइबल पढ़ो, हम टीवी देखते हैं। वो कहता है परमेश्वर से लॉ लगाओ, हम फोन पे लॉ लगाते हैं, किसी से यूट्यूब देखते हैं। आप शोकित करते हैं पवित्र आत्मा को। जब आप प्रार्थना नहीं करते आप शोकित करते हैं, जब आप बाइबल नहीं पढ़ते तब आप शोकित करते हैं, जब आप भला काम नहीं करते तो आप शोकित करते हैं पवित्र आत्मा को। क्योंकि वो जो आपके अंदर है ना, आप एक चीज समझ लें कि हमारा जीवन अब हमारा नहीं है, हमारा जीवन प्रभु का है। हमारा कुछ भी हमारा नहीं है। हम अपने जीवन को, अपने रिश्तों को बनाने में लगे हुए नहीं, हम अभी भी संसार में, संसार के संग रिश्ते बांधने में लगे हुए हैं, जबकि हमारा रिश्ता परमेश्वर से मजबूत होना चाहिए। इसलिए वो दाऊद कहता है कि मेरी चिंता ये है कि मेरा जो रिश्ता तेरे साथ है वो मजबूत रहे, उसका जोड़ मजबूत रहे, उसका जोड़ कभी ना टूटे। यही तो इफिसियों में बताया कि कलीसिया यीशु की देह है और हम कौन है? उसके अंग है। हम उस देह के अंग है और हमारा जोड़ उस देह के संग पूरी मजबूती के साथ रहना चाहिए। अगर जरा सा भी हमारे जोड़ में जरा सा भी गैप आ गया ना मेरे भाई, शैतान आपको आजमाइश में डाल देगा, आपकी उन्नति नहीं होगी। इफिसियों 5:29 कहता है कि हर आदमी अपने देह की उन्नति चाहता है, प्यार करता है। यीशु मसीह भी अपने देह की उन्नति चाहता है और उन्नति करता है। अगर आप जुड़े रहेंगे आपकी उन्नति निश्चित है, निश्चित है। आप किस तरीके से जुड़े हुए हैं वो देखिए, आपका जो जोड़ है वो मजबूत है कि नहीं। हवा भी घुसनी नहीं चाहिए, कुछ भी ना घुसे, आपका जोड़ ऐसा रहे। मसीह की देह के साथ, कलीसिया के साथ, कलीसिया को समझिए, कलीसिया की कीमत को समझिए मेरे भाई। जो अधिकार कलीसिया को दिए गए हैं ना, वो अधिकार, उसकी शक्ति को समझिए आप। इफिसियों 1 पढ़िए, इफिसियों 1:19-23 तक पढ़िए, आपको कलीसिया की शक्ति का एहसास होगा। आप जानिए वो कलीसिया की शक्ति क्या है, उस देह का आपके संग रहना कितना मूल्यवान है। हालेलुया। इसलिए सच्ची मसीह की चिंता क्या है, क्या होनी चाहिए, कि हम यीशु से कभी भी अलग ना हो, हम कोई भी ऐसा काम ना करें जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। हम पूरी तरीके से, मन से, आत्मा से, बुद्धि से परमेश्वर के बने रहे, परमेश्वर में बने रहे। प्रेज द लॉर्ड। हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए। संसार अपने लिए दुनिया से मांगना बंद करिए, बंद करिए अपने लिए रोटी मांगना, बंद करिए अपने लिए कपड़ा मांगना, अपने लिए मकान मांगना, बंद करिए। मांगिए परमेश्वर के सामर्थ को, मांगिए कि प्रभु मुझे सामर्थ दीजिए, प्रभु मुझे 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 वो ज्ञान दीजिए जो आपका है, मैं समझ सकूं उस ज्ञान को, मैं आपकी योजनाओं को समझ सकूं। प्रभु मुझे वो ज्ञान दीजिए, मैं ताकि आपके करीब आऊं और मेरा जो जोड़ है, मैं मसीह के साथ, मैं उस देह के संग ऐसा जुड़ जाऊं कि जिस तरह मसीह की जोड़ उन्नति कर रही है वैसे ही मैं भी उन्नति करता जाऊं। मांगिए, प्रभु देगा आपको। हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। सॉरी, समय से थोड़ा सा ऊपर चला गया मैं, हालेलुया। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, आज का वचन मैं विश्वास करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और इस वचन ने आपको बहुत आशीष दी होगी, मैं विश्वास करता हूँ। जिसने शेयर नहीं किया है प्लीज़ शेयर करिए, ताकि जो नहीं देख पा रहे हैं उनको वो देखें, और आप उनको वॉच पार्टी के थ्रू ये शेयर करिए ताकि वो लोग इस वचन को समझ सकें।
मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर का कि आज का दिन अद्भुत है, महान है। फ्राइडे को यानी कि कल मैं अपने पेज पर हूँ, शाम को 7 से 8 अनिल कोचर। इस अनिल कोचर को टाइप करिए और आप मेरे पेज पे आएंगे कल शाम को 7 से 8। मैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे अपने पेज पर होता हूँ। आज पास्टर आपका शिवचंद्र पाल जी ने मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ आपको अद्भुत आशीष मिली होगी। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सामर्थ्य नाम के लिए। परमेश्वर, महिमा और आदर के योग्य आप हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आपकी अगुवाई में मैं परमेश्वर वचनों को बांट सका, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो जो भाई सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके लिए आशीष मांगता हूँ, आपकी कृपा मांगता हूँ, आपका अनुग्रह मांगता हूँ परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह, आपके अनुग्रह की स्थिरता को, आपके अनुग्रह को व्यर्थ अपने जीवन में ना ले परमेश्वर, ताकि आशीष पाए, सुख पाए, जीवन पाए और परमेश्वर तेरी ज्योति का प्रकाश इनके अंदर रहे, ताकि कोई अंधकार इनके अंदर ना जाए और तेरा आशीष बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हैं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की है। मैं गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। कल मेरे पेज पे अगर आप आ सकते हैं तो प्लीज आइएगा, आपको आशीष मिलेगा। ये तो इस पेज पे हैं पास्टर शिवचंद्र जी के पेज पर। धन्यवाद, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। यूट्यूब में भी मेरा चैनल है, पास्टर अनिल कोचर, अनिल कोचर मिनिस्ट्री के नाम से यूट्यूब में मेरा चैनल है। कई इसमें टीचिंग्स हैं, आप उनको भी देखकर आशीष प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, ताकि और भाई बहन भी आशीष प्राप्त करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। धन्यवाद परमेश्वर का।